क्या आप जानते हैं पिछली रात से श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाका में एक ऑपरेशन चल रहा था। श्रीनगर शहर काफी अरसे से जहां तक एक्टिव मिलिटेंट एक्ट का है सवाल, उससे फ्रीथम अगर ग्रेनेड्स वगैरह के इंसिडेंट श्रीनगर शहर में पिछले काफ़ी देर से चलते रहे, और अच्छी बात यह है कि जितने भी ग्रेनेड अटैक के जहां पर हादसे हुए लगभग 99% केसेस वर्कआउट किए गए और उनको कोर्ट्स के सामने रखा गया है या रखा जा रहा है। पिछली रात का जो ऑपरेशन है इसमें दो टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है, जुनेद अशरफ खान, और दूसरा पुलवामा से है, तारिक अहमद शेख। जुनेद अशरफ खान, जैसा कि आप जानते हैं, हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी, ज्यादातर बड़गाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। जुनेद अशरफ सहराई का जब से ये एक्टिव है, कम से कम आधा दर्जन केसेस में जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, ये वांटेड था, और काफी जगह पे सिविलियन लोगों को मार पिटाई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स, जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। इस वक्त जो हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था, जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था, और इसके साथ साथ इसकी जो बीट है वो, जैसे मैंने कहा, वो पुलवामा और शोपियां की तरफ में भी बीच में रहती थी। हमारी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को पीसफुल रखा जाए, मगर दुश्मन की कोशिश यहाँ पर रहती है कि श्रीनगर शहर क्योंकि सेंटर है एक्टिविटी का, और इसको किस न किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। ग्रेनेड्स जो बहुत बार जहाँ पर हुए, उनका लिंकेज भी ज़्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक्टिविस्ट हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हैं, वो पुलवामा से भी और नॉर्थ कश्मीर दोनों साइड से आकर के, वंतीपुरा से आकर के, जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे। और उन तमाम तर केसेस की तफ्तीश, जैसे मैंने कहा, कामयाबी से हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी मॉड्यूल तैयार करते थे जे ग्रेनेड फेंकने के शहर के अंदर, वो तमाम तर मॉड्यूल जो है वो टाइम टू टाइम बस्ट होते रहे, और कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हम लोगों ने उन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए जो ग्रेनेड थ्रोइंग की एक्टिविटीज में शामिल थे। हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जो इन लोगों की तरफ से जो साजिशें बन रही थी श्रीनगर शहर में अटैक करने की, कहीं किसी न किसी जगह पर, और हम लोग काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे थे, और कल हमें जो खास इतला मिली इनकी मौजूदगी डाउनटाउन में, उसके मुताबिक हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उसमें पुलिस को और हमारी जो फोर्सेज हैं CRP साथ में थी, इनको इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली। नहीं, 2 ही थे शुरू से, उसमें 3 का खदशा इसलिए हुआ था कि एक घर में से निकल के दूसरे घर में शामिल हो गया था, जो बाद में लड़का दूसरा जो मारा गया तारिक, तो उससे एक बार लगा था कि शायद 2 ना होकर के 3 हैं, एक घर की और इन्वॉल्वमेंट हुई जहाँ से फैर आया, मगर ये 2 ही थे और दोनों ही मारे गए हैं। तो देखिए, मिलिटेंट का तो कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकता है, और भी लोग हैं जिनके बारे में इतला रहती है कभी कभी, जो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे आगे पीछे आते हैं। 1-2 ऑपरेशन हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं उनकी तलाश में, और जहाँ सिटी